हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कविता कविता के बहाने। इस कविता के रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि कविता कवि की कल्पना की उड़ान होती है, जो चिड़िया की उड़ान को देखकर कल्पनाओं के पर लगाता है। चिड़िया कभी एक घर तो कभी दूसरे घर में उड़ती है, किंतु चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित है। वह कवि की भावना और कल्पना के पंख लगाकर अनंत आकाश तक उड़ती है। कभी घर के बाहर और कभी घर के अंदर के पूरे संसार को छंदबद्ध करके एक कविता की रचना करती है, और इस कविता की रचना को बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती है। इस कविता में कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार है तथा इसकी भाषा बिल्कुल सरल और सुगम है। अब दूसरी कविता देख लेते हैं। इस कविता में कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के बहाने फूल क्या जाने। इस कविता में कवि कहते हैं कि कविता की तुलना फूलों से है, मतलब फूलों से है कि कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति में समानता है। फूल कलियों से प्रस्फुटित होने से खिलता है, परंतु जो कविता होती है वो कवि की कल्पना की उड़ान होती है। कवि काव्य की रचना फूलों से प्रेरित होकर करते हैं, और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे फूल बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फूल और कविता की रचना में दोनों में भिन्नता होती है। जो फूल होता है वो एक घर से दूसरे घर तक ही महकता है, परंतु जो कविता होती है उसकी महक पूरे संसार में फैलती है, और कुछ दिनों फूल की महक तो कुछ दिनों तक महकने के बाद मुरझा जाती है, किंतु जो कविता का अस्तित्व होता है वो लोगों के मन में अनंत काल तक बना रहता है। यह घर वह घर सबका घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर अब कवि बच्चे के उदाहरण से बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक घर से दूसरे घर में फुदकते रहते हैं, परंतु उनकी सीमा भी सीमित होती है, परंतु जो लेखक या कवि होते हैं उनकी कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है, उनकी कल्पना अनंत होती है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि की कल्पना की उड़ान को बच्चा भी क्या जाने। अब यहाँ पर देखिए, बाहर भीतर में रह है, और घर और वह घर में भी लास्ट अक्षर में रह है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और इस कविता की भाषा भी बिल्कुल सरल और सुगम दी गई है। अब इस कविता के दूसरे भाग को देखते हैं। बात सीधी थी पर, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर कवि अपने बारे में बता रहे हैं कि वो किसी समारोह में गए थे और अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताने के लिए सीधी और सरल भाषा को छोड़कर कुछ जटिल भाषा का प्रयोग करने लगे, तो वो खुद कह रहे हैं कि कठिन भाषा का प्रयोग करने की वजह से वो मुश्किल में फंस गए, और उसे सुधारने के चक्कर में उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब उनकी भाषा जटिल होने लगी तो उसको सुधारने के लिए वो अपनी ही भाषा को उलट पुलट कर सीधा करने की कोशिश करने लगे, अर्थात सुधारने की कोशिश करने लगे, परंतु बात बनने के बजाय बिगड़ती चली गई कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वो अपनी बात को सुधारने के लिए कुछ और उसमें भाषा मिलाने लगे, अर्थात कुछ और जोड़कर बोलने लगे, तो उसकी भाषा और जटिल होती गई। वो लोगों को बात अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे, तो कवि इस बात को यहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते थे, अर्थात इस बात को समाप्त करना चाहते थे, परंतु कर नहीं पा रहे थे, उनकी बात और भी मुश्किल होती चली जा रही थी। अब यहाँ से देखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और पेच को खोलने के बजाय उसे बेतहाशा कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वो बात बोल रहे थे तो उस बात को समझाने के लिए जब सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करने के बजाय उनकी भाषा जटिल हो गई तो उसमें वो और फंसते जा रहे थे, जैसे कि वो उस बात से बाहर निकलने के बजाय कसता चला जा रहा था, अर्थात उनकी भाषा और जटिल होती जा रही थी।
तो वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं जो समझते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, कभी क्या समझाना चाह रहे हैं, इस बात को समझे बिना वाहवाही कर रहे थे, उनकी भाषा को न समझ कर ऐसे ही वाह वाह कर रहे थे और कवि का मनोबल बढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे इस बात का डर था कि मेरी बातें लोग न समझ पाएँ और मेरी बातों से ही मुझे ही निकलना मुश्किल हो जाए। तो जैसे हम किसी भी पेच को किसी कील में लगाते हैं तो उसकी चूड़ी जब ख़त्म हो जाती है तो वो वहीं पर अटक जाती है। इसी बात का उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि जब मेरी बात लोग न समझ पाए तो मेरी भाषा पूरा बेकार वहीं घूमने लगी, अर्थात मैं उसे बाहर नहीं निकल पाया। हार कर मैंने उससे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, अर्थात उस बात को वहीं पर रोक दिया, क्योंकि मेरी बातें अर्थहीन हो गई थी। अब यहाँ पर से देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरी कविता तो देखने में ठीक ठाक कविता जैसी ही लग रही थी, परंतु उसमें ना कोई सार था और ना ही कोई अर्थ निकल रहा था। अर्थात जैसे कील को हम किसी दीवार में ठोक देते हैं तो उसमें कसाव नहीं होता और ना ही उसमें ताकत होती है, वैसे ही वो अपनी बातों को कह रहे हैं कि मेरी बातों में ना तो कोई ताकत था और ना ही उसका कोई अर्थ निकल रहा था। उसी समय उनको एक बच्चे ने कहा कि क्या तुमने अपनी भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात एक बच्चे ने उनसे कहा कि क्या आपने अपनी भाषा को सरलता से समझाना कभी नहीं सीखा।